नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आसाराम के फैसले पर। तो पहले आसाराम, फिर रामपाल, फिर राधेमा और फिर राम रहीम। नाम बदल रहे हैं मगर प्रवृत्ति वही की वही है। परंतु माफ करना, मैं इन्हें दोषी नहीं मानता। कुछ ऐसे प्रश्न पूछूंगा, आप ईमानदारी से उत्तर देना और आपको मालूम पड़ जाएगा कि असली दोषी कौन है। इन लोगों के चरणों में संपत्ति चढ़ाने वाला कौन है? इन लोगों को पूजने वाला कौन है? कौन है जो अपनी पत्नी, बेटी, बहनों को इनके सत्संग में भेजता है? ऐसे बाबाओं की सत्संग में भीड़ करने वाला कौन है? इन धूर्तों के सम्मान में कसीदे पढ़ने वाला, आरती और भजन बनाने वाला कौन है? इनके खिलाफ आवाज उठाने वाले को अधर्मी कहने वाला कौन है? हम सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। दोस्तों, एक महिला 1 किलो सेव खरीदने से पहले एक एक सेव को बारीकी से देखती है, उसका निरीक्षण करती है, उसके बाद वो 1 किलो सेव खरीदती है। वही महिला किसी ढोंगी बाबा के चरण स्पर्श करने से पहले क्यों नहीं सोचती? क्यों उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है? माफ करना दोस्तों, मैं महिलाओं से विशेष माफी मांगना चाहूंगा। ये वही बाबा हैं जो इन नारियों को नरक का द्वार कहते हैं। माफ करना, क्या आपका कोई आत्मसम्मान नहीं है? आप ऐसे बाबाओं के चरण स्पर्श कैसे कर लेते हो? एक लैपटॉप खरीदने से पहले हम लोग उसकी रैम, रोम, हार्ड डिस्क सभी कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, उसके बाद हम उस लैपटॉप को खरीदते हैं। परंतु बाबाओं को गुरु बनाते समय हम अंधे क्यों हो जाते हैं? हमारी श्रद्धा अंधश्रद्धा में क्यों बदल जाती है? तो उसका कारण यह है दोस्तों कि हम सभी लोग परावलंबी जीवन जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई हमको नियम दे जिसके आधार पे हम अपना जीवन चलाएं। हम अपनी जिंदगी का जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, हम जिंदगी का संघर्ष नहीं करना चाहते। हमें नौकरी चाहिए, हमें विकास करना हो, लड़के की शादी करनी हो, बिजनेस चलाना हो, हम कहाँ जाते हैं? बाबाओं के पास। हम चाहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिस जो हमें नियम दे और जिसके आधार पर अपने जीवन को जिए। दोस्तों, ये जीवन आपका है और आपको ही सारे निर्णय लेने होंगे। संघर्ष भी आपको ही करना होगा, तभी आपकी जीत होगी। भगवान बुद्ध ने कहा था, अप दीवो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। ऐसे वक्त में मुझे भगवान कृष्ण की याद आती है। उनके जन्म से पहले ही उनको मारने की कोशिश की गई, परंतु वे बच निकले। उनके पैदा होने के बाद उनके मां बाप छूट गए और उनके जन्म होने के बाद उनको मारने की हजारों साजिशें की गई, मगर वे हर बार जीते। वे कभी मैदान छोड़कर भागे नहीं। भगवान कृष्ण का पूरा जीवन कष्ट से भरा रहा, मगर उन्होंने कभी भी किसी को अपनी कुंडली नहीं दिखाई। उन्होंने कोई मन्नत नहीं मांगी, उन्होंने किसी बाबा का दिया हुआ ताबीज नहीं पहना। उन्होंने यज्ञ किया, कर्मों का यज्ञ किया। उन्होंने हमें सिद्धांत दिया, योग कर्मसु कौशलम। महाभारत में जब अर्जुन ने अपना धनुष छोड़ दिया तो भगवान ने अर्जुन की ओर से लड़ने नहीं गए। वे स्वयं एक महान योद्धा थे, वे चाहते तो अकेले ही पूरी कौरव सेना का नाश कर सकते थे, परंतु वे अर्जुन की ओर से लड़ने नहीं गए। उन्होंने जो कहा था उसे याद रखना है दोस्तों। उन्होंने अर्जुन से कहा कि यदि तू अपनी तकलीफों से, मुसीबतों से लड़ने को तैयार है तो मैं तेरा मार्गदर्शक हूं, मैं तेरा सारथी हूं। यही गीता का सार है। यदि दोस्तों आप अपने जीवन की समस्याओं से, मुसीबतों से, तकलीफों से लड़ना चाहते हो तो ईश्वर सदा आपके साथ है। ये बाबा, ये ढोंगी बाबा कोई आपके जीवन में आने वाला नहीं है। जीवन आपका है, संघर्ष आपको ही करना पड़ेगा। अप दीवो भव। जय श्री कृष्ण।